मैं हूँ मेमोना जी। आज कुकिंग नहीं है, आपको जैसे पता है कि वीक में एक दफ़ा मैं DIY हैक्स, ब्यूटी हैक्स बनाना बताती हूँ जी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल गर्मियों का मौसम है और हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, मुंह पे हमारे स्वेटिंग की वजह से अक्सर पसीना हमारे मुंह से होता हुआ आ जाता है हमारे लिप्स पे, तो लिप्स हमारे बहुत टैंग हुए हुए हैं। तो आज इनको बिल्कुल रोज़ क्लियर, शाइनी, प्लमी लिप्स बनाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा स्क्रब बनाना बताती हूँ जी। ये चार तरह से वर्क करेगा, जिनके लिप्स टैंग हैं, टैन हैं, जिनके क्रैक्ड हैं, चिप्ड हैं और ड्राई हैं जी। तो बनाना हम शुरू करते हैं अपना DIY लिप स्क्रब। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच चीनी का, इस चीनी को पीसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें हम अब लेते हैं अपना आधा चम्मच, हम डालते हैं एलोवेरा जेल, जी इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 ड्रॉप ऑयली ऑयल के। आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें विटामिन ई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं ये करती हूँ ऑयली ऑयल, क्योंकि विटामिन सी ऑयल गर्मियों में थोड़ी सी गर्मी का बायस बनेगा, इचिंग का बायस बनेगा। ये हम डालते हैं 2 ड्रॉप। इनको हम करते हैं अच्छी तरह मिक्स। अब डालते हैं 1 पिंच, बहुत छोटी सी पिंच रेड फूड कलर, ये जो जर्दे में यूज़ होता है, या आप इसमें कोई टिंट वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन टिंट से ये है कि ये आपका 8 दिन में एक्सपायर होगा। इस कलर से कम 1 महीना ये बिल्कुल बाहर भी रह सकता है। इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये कैमरे की रोशनी की वजह से ये रेड कलर आपको येलो नज़र आ रहा है। अब इसको हम लगाते हैं अपने लिप्स पे। अब हम इसको ऐसे अपने लिप्स पे हर तरफ हम इसको करेंगे, इससे अपने लिप्स की सफाई। हम इसको सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको करेंगे मूव। ये चीनी में लैक्टो एसिड है जो हमारे हमारे लिप्स की डेड स्किन को करेगा दूर और हमारे लिप्स में लेके आएगा शाइन। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी यूज़ करें और इंशाल्लाह दूसरे ही हफ्ते आपको एक बेहतरीन सा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आप मुझे दुआओं में बहुत याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की DIY लिप स्क्रब ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें और शेयर करें। इसको आप 1 महीने के लिए छोटी किसी लिप बाम की बोतल में डाल के रख लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत प्लमी रहेगी। मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।